शुक्रिया, बहुत बहुत तर्जुमाने मिल्लत आपके साथ बातचीत करने का बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआएं, मे यू विश एंड मे यू सक्सीड इन योर फ्यूचर ऑल्सो। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह इस जजाय खैर में और इसमें काम करने की तौफीक दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول صدق الله العظيم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दापोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दापोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। वालेकुम सलाम। आपका नाम मोहतरम? जहांगीर दराज। आपकी तालीम? MSc क्लिनिकल ऑफ्थल्मोलॉजी। स्कूल का नाम? ओवरसीज ग्रामर स्कूल। कितना अर्सा हो गया इस स्कूल को माशाल्लाह? इट्स बीन 14 ईयर 14 साल। तो ये बताएं कि माशाल्लाह इस वक्त आपको कितनी ब्रांचेज हैं? अभी राइट दो ब्रांचेस चल रही हैं। एक आपकी इस्लामगढ़ में है जी, दूसरी मानसरा में। माशाल्लाह। खानदानी वकील थी आपकी? जी, मैंने आपको बताया ना 1982 से पहली ब्रांच हमारी कराची में थी। आपके वालिद साहब भी इसमें एजुकेशन? जी, वालिद साहब और चाचा दोनों। अच्छा, वालिद साहब। अच्छा सर, ये कहें कि बच्चों के वालदैन को शऊर है, यहाँ पे अवेयरनेस है, कह सकते हैं आप? थोड़ा बहुत, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पैसेज ऑफ टाइम के साथ फ़र्क आता जा रहा है। क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गवर्नमेंट तावन कर रही है स्कूलों के साथ क्या? नहीं, ठीक है सर, तावन बस एज सच तो गवर्नमेंट का इतना इनपुट नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स हम तो अपना सारा सब कुछ खुद अपने आप के तहत कर रहे हैं। एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना जरूरी है? उस्ताद के लिए तो हार्ड वर्किंग हो, टेम्परामेंट अच्छा हो। अच्छा। जी, कोई पैगाम दे बच्चों के वालदैन को? बच्चों के वालदैन के लिए यही पैगाम है कि फीडबैक लिया करें, आए अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पता किया करें उनको, और इस तरह का माहौल क्रिएट करें घर में भी कि स्कूल के बाद भी बच्चे वहाँ पे अच्छी तालीम तरफ ही रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मोहतरम? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी,
माई नेम इज़ नासिर खान एंड सर आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस। स्कूल का नाम? ओवरसीज ग्रामर स्कूल, ओवरसीज ग्रामर हाई स्कूल, इस्लामगढ़, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर। कितना अर्सा हो गया सर इस ब्रांच को रन करते हुए? 15 ईयर्स हो गए। राइट नाउ हम लोग 15th ईयर में जा रहे हैं। 2010 से वी स्टार्टेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे माशाल्लाह क्या है? मैं सर स्कूल का ऑनर हूँ। हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन होती है गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें वर्ड आता है पैट्रनेट चीफ, सरपरस्त आला। तो सर किस तरह शौक हुआ? कोई खानदानी बस्ती थी या बस सर एजुकेशन का? एक तो था हमारा ये बैकग्राउंड भी, मेरे दादा साहब वो भी अब्दुल सितार खान मरहूम, वो हेडमास्टर थे बिफोर पार्टीशन 1947 से पहले, तो एक उनकी वो चली आ रही थी। फिर मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा, वो भी इसी एजुकेशन से थे। 82 से हम लोगों ने कराची में स्टार्ट किया ओवरसीज़ ग्रामर स्कूल। फिर 2010 में मुझे मौका मिला यहाँ पे ब्रांच ओपन करने का और फिर ब्रांच रन करने का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोग ऑलमोस्ट मैट्रिक की कोई 7-8 बैचेस यहाँ से निकाल चुके हैं, जो क्लियर कर चुके हैं, और अभी भी राइट नाउ मोर देन 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो माशाल्लाह सर आपका एक मियार है, तो ये मियार कैसे बनाया आपने? सर इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर्स हम लोग लेते हैं वो ज़्यादातर बैचलर्स या मास्टर्स होती हैं, और वो इसी सिस्टम से, यहीं के एजुकेशन से और यहीं के उनसे, उनकी कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं होती। बीएड और एमएड जो गवर्नमेंट ऑफर करती है वो भी ठीक है, थोड़ा एज मिल जाता है टीचर्स को, लेकिन जो आजकल इन दिस सेंचुरी 2024 इस उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो उस तरह नहीं। उसके लिए फिर पर्सनल इनपुट जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, एकेडमी के इंचार्ज हैं, ऑनर हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपसे कहूं कि 15 साल है तो हमारे कोई ऑफ डेज, यानी मैं स्कूल में गैर, मेरी गैर मौजूदगी 15 साल में वो शायद 15-20 दिनों। अच्छा, एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना? सर आप हमारे ये तीनों तबकाती निज़ाम, सरकारी, प्राइवेट और मदरसा, इन तीनों के असातिज़ा के लिए सबसे जो अवलिन चीज़ है दैट इज़ करेक्टर, किरदार उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक अच्छे करेक्टर का मालिक हो। फिर उसके बाद उसकी एजुकेशन स्किल्स हैं, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन है, उसकी अपनी ट्रेनिंग है, उसकी अपनी एफर्ट्स हैं, वो फिर सेकंड। लेकिन प्राइमरी एक टीचर के लिए जो प्राइम मोस्ट एक चीज़ जो उसमें होनी चाहिए, उसका किरदार होना चाहिए। सर कहाँ तक स्कूल है आपका? हमारा सर ये इस्लामगढ़ में मैट्रिक तक है, 10th तक। कम से कम तालीम हम लोगों ने जो यहाँ पे रखा है सर, बैचलर्स रखा है, बीए, बीए, बीएड, ये मस्ट होना चाहिए। अगर टीचर बीए बैचलर्स किए भी हुए तो फिर वो हम कहते हैं कि साथ आप बीएड करें, कंटिन्यू रखें अपना। तो क्या स्कूल की तफरी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं आप? स्कूल की तफरी सरगर्मियाँ जी बिल्कुल हमारी होती है, हमारी इंटरनल भी होती हैं, हमारे फिर यहाँ पर जो रीजनल लेवल पर भी, यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पटिशन्स होते हैं, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत हो, चाहे नात वगैरह हो, इस तरह उसमें हम लोग बिल्कुल स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कोई मैसेज दें बच्चों के वालदैन को? सर बच्चों के वालदैन के लिए आजकल सबसे जो ज़रूरी चीज़ है एक बात के सारे वालदैन, मैं ख़ुद भी बच्चों का मतलब वालिद हूँ, तो मैं उनको भी, एक तो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, मोबाइल अवेयरनेस, इंटरनेट अवेयरनेस ये उनको दें। फिर अगर मोबाइल आप उन्हें दे भी रहे हैं तो फिर उन पर चेक रखें, क्योंकि उसका इस्तेमाल बच्चों की इस एज में एक बहुत, वो उनके लिए यूज़फुल नहीं है बल्कि गलत वेपन है जो उनको तबाही की तरफ लेके जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। और दूसरा वालदैन को मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बचपन से ही इस्लामिक एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा उनकी फोकस करें, नमाज पे, कुरान पाक की तिलावत पे, ये हर वालदैन, क्योंकि अगर घर में कोई पढ़ा लिखा है या नहीं, लेकिन नमाज और कुरान हर एक मुसलमान को पढ़नी आती है, तो वो अपने बच्चों को भी मस्ट इस चीज़ पे लाए। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत। तर्जुमाने मिल्लत आपके साथ बातचीत करने का बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआएं, मे यू विश एंड मे यू सक्सीड इन योर फ्यूचर ऑल्सो। अल्लाह आप लोग को इसी तरह इस जज़ाए खैर में और इसमें काम करने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच जी।